नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और नितेश उपाध्याय। पीएम मोदी ने आज अयोध्या पहुंचकर भगवान राम की जन्मभूमि का पूजन किया। इसके साथ ही राम मंदिर के निर्माण कार्य की शुरुआत भी हो गई है। देश में चारों तरफ आज भगवान राम की ही धूम है। कोई दीप जला रहा है तो कोई सोशल मीडिया के जरिए राम मंदिर निर्माण की बधाइयां दे रहा है। ये सब देखकर कट्टरपंथी और लिबरल गैंग सुलग रहा है। कट्टरपंथी राम मंदिर के निर्माण से कितने बौखला गए हैं उसको लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन से ठीक पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मंदिर पर धमकी भरा बयान दिया है, जो ये साफ करता है कि इन्हें अब देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर पर कतई भी भरोसा नहीं है। अब ये खुद के संविधान से देश चलाना चाहते हैं, जो कभी भी संभव नहीं हो सकता। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है और हागिया सोफिया मस्जिद का उदाहरण देते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद थी, हमेशा रहेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टिकरण के आधार पर भूमि का पुनर्निर्धारण करने वाला फैसला इसे बदल नहीं सकता। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। यानी कि हागिया सोफिया का उदाहरण देकर पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह मंशा जाहिर की है कि एक दिन फिर राम मंदिर को बाबरी मस्जिद में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि अब दिशा और दशा दोनों ही बदल चुकी हैं। वहीं एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट कर कहा है कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने बुधवार सुबह ट्वीट किया, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। बता दें कि 1500 साल प्राचीन विरासत समेटे यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल हागिया सोफिया म्यूजियम को लेकर बड़ी तब्दीली हुई। पिछले महीने जुलाई में टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस ऐतिहासिक म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में बदलने का आदेश दिया है। राष्ट्रपति एर्दोगन ने 1934 के उस फैसले को पलट दिया जिसके तहत 1434 में इस्तांबुल पर कब्जे के बाद उस्मानी सल्तनत की ओर से मस्जिद में तब्दील हुई हागिया सोफिया को एक म्यूजियम बना दिया गया था। इस ऐतिहासिक इमारत ने कई बार अपनी रंगतों को भी बदलते देखा है। जब ये इमारत बनाई गई तब ये एक भव्य चर्च हुआ करती थी और शताब्दियों तक ये चर्च ही रही, फिर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। बता दें कि तकरीबन 500 साल तक चले अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल राम मंदिर के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। वही मस्जिद निर्माण के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का फैसला दिया था, लेकिन कट्टरपंथियों को यह फैसला रास नहीं आ रहा है। वो लगातार इस पर जहर उगल रहे हैं और लगातार जहरीली उल्टी कर रहे हैं। भले कोर्ट के फैसले के बाद कुछ कट्टरपंथी दिखावटी सहानुभूति बटोरने के लिए भाईचारे की बात कर रहे थे, मगर अभी भूमि पूजन को देखकर कितना तिलमिलाए गए हैं और जहरीली उल्टी कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप ट्विटर पर ट्रेंड हो रहे कुछ हैशटैग से लगा सकते हैं, जिसमें ट्विटर पर सबसे ऊपर ट्रेंड कर रहा है हैशटैग बाबरी मस्जिद जिंदा है, हैशटैग बाबरी जमीन मुसलमानों को वापस दो। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरह से देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था पर ही सवाल उठाकर देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इन लोगों की ऐसी घटिया हरकत पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।